बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम दानिश और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल हेल्प बाय दानिश। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने जो उर्दू 101 का पेपर था उसको इन पेज के अंदर करना लाजमी करार दे दिया है। और इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप अपने इन पेज को किस तरह से अपने पेपर के अंदर यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप अपना उर्दू 101 का पेपर जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा ये चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये हमारा चैनल है, आपने इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करते, करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो। तो वीडियो में सबसे पहले आपने करना क्या है, वीडियो में सबसे पहले आपने यहाँ पर आकर नीचे इन पेज सर्च करना है। इन पेज सर्च करने के बाद आपने इसको सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरह से होगा। आपने कंट्रोल एन करना है और आपके पास ये इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। आपने करना क्या है, फर्स्ट स्टेप को जो आपका होगा आपने एडिट में आना है। एडिट में आके प्रेफरेंसेस में आना है और यहाँ कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में आके आपने ये चेक कर लेना कि आपका कीबोर्ड फोनेटिक है या नहीं है। फोनेटिक करेंगे तो आपकी टाइपिंग अच्छी होगी और इस तरह से आप अपना पेपर जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ये स्टेप हो गया। सेकेंडली आपने ध्यान रखना है कि आपके पेपर करने के दौरान आपका कैप्स लॉक ऑन ना हो। अगर आपका कैप्स लॉक ऑन होगा तो आपके अल्फाज कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे। आप अगर किसी तरह से अपना पेपर करना चाहते हैं तो आपका पेपर अलहदा से वो मतलब अपने वर्डिंग से कीबोर्ड चलना स्टार्ट हो जाएगा। कैप्स लॉक आपने इसको ऑफ कर लेना है और आपने सिंपली जैसे मैं लिखता हूँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफ्ट प्लस डब्ल्यू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा, हजरत मोहम्मद सल्लम है। ओके, आपने ये लिख लेना है, फर्स्ट कि आपने ये लिख लिया, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने इसको यहाँ से कॉपी किस तरह करना है और वहाँ जाके पेस्ट किस तरह से करना है। आपका स्टेप क्या है यहाँ पर, आपने आपका स्टेप कुछ इस तरह से है कि आपने आपका स्टेप है कि आपने विंडो विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस प्रेस करना है। विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका जो है मतलब स्क्रीन है वो इस तरह से कुछ शो होगी। वो मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह से, विंडो शिफ्ट प्लस एस आपने जैसे ही प्रेस करना है तो आपके लिए ये चीज़ स्क्रीनशॉट ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली करना क्या है, अपने माउस से राइट क्लिक करना है और इसको एस से आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से या ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका ये सिंपली सिलेक्ट हो जाएगा। आपने करना है इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने सीधा जाना है अपने पेपर के ऊपर। पेपर पे जाने के बाद फर्ज किया आपका ये इधर से पेपर ऑन है, ठीक है। पेपर पे जाने के बाद आपने सिंपली यहाँ कंट्रोल वी कर देना है और ये यहाँ पर आके पेस्ट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया। फर्स्ट स्टेप तो ये है। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, सेकंड स्टेप हमारा उसमें कुछ भी नहीं है। आपका ये इन पेज ओपन है, आपने यहाँ से क्या करना है, आपने सिंपली करना है कि आपने यहाँ से इसको सिंपली आपने प्रिंट स्क्रीन कर लेना है। प्रिंट स्क्रीन जैसे ही आप कर लेंगे, प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन आपके पास ऊपर पास ब्रेक के साथ प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन होता है, आपने वो करना है और सिंपली आपने करना है कि आपने यहाँ से आके पेंट ओपन कर लेना है। पेंट आप जैसे ही ओपन करने आएंगे तो प्रिंट स्क्रीन करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर आके कंट्रोल वी कर देना है, यहाँ पर ये आपका पेस्ट टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने सिंपली कंट्रोल सी प्रेस करना है। कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर आना है अपने पेपर के अंदर। आपका यहाँ पेपर हो रहा है, कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर आकर सिंपली इसको कंट्रोल वी कर देना है। ये इस तरह से दोनों मेथड हैं, इस तरह से आप अपना पेपर यहाँ पर आके सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इस जो वीडियो है इस पर मुकम्मल जो है अपना फोकस रखें, आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा होगा। अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन छोड़ दें, मैं आपको इसके रिप्लाई लाजमी करूँगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।